एक्टोकार्पस ऐसे अलगा हैं जो कोल्ड वाटर्स में यूजुअली प्रेजेंट है, बट अ फ्यू स्पीशीज जो हैं दे आल्सो प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एज वेल। सम मे बी द एपीफाइट्स, एपीफाइट्स मीन्स वो होते हैं प्लांट्स के ऊपर, एपी मीन्स ऑन, फाइट्स मीन्स प्लांट्स, और एंडोफाइट्स अगर प्लांट्स के अंदर मौजूद हो। इसका जो थैलस है दैट इज द फिलामेंटस, दो तरह का, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों तरह के होते, और मेन प्लांट बॉडी जो है, मेन प्लांट बॉडी ब्रांच है, यूनिसीरिएट है, यूनिसीरिएट मीन्स सिंगल सेल थिक हो, हेट्रोट्राइकस हैबिट है। हेट्रोट्राइकस हैबिट ऐसी कंडीशन है जिसमें दो तरह का फिलामेंट सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक कहलाता है प्रोस्टेट सिस्टम और एक इरेक्ट सिस्टम। जो प्रोस्टेट सिस्टम है, तो प्रोस्टेट सिस्टम एक तो हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये सारा जो है प्रोस्टेट सिस्टम हॉरिजॉन्टल, और क्रीपिंग फिलामेंट्स हैं जमीन के ऊपर या सबस्ट्रेटम के ऊपर लेटे हुए होते हैं, जो कि ब्रांच और सेप्टेट भी होते हैं। और एपीफाइट स्पीशीज में हो सकता है ये पौधों के ऊपर मौजूद हो या पेनिट्रेट करें अपने होस्ट के अंदर समटाइम्स, जबकि इरेक्ट सिस्टम जो है वो है वर्टिकल, और वो अराइज प्रोस्टेट सिस्टम से ही हुआ हुआ होता है कि ये वाले सारे फिलामेंट्स जो हैं ये भी निकले प्रोस्टेट सिस्टम से ही हैं, लेकिन अपराइट होते हैं, ऊपर को उठे हुए होते हैं, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं वर्टिकल सिस्टम है ये। और बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे जाके इनके जो फिलामेंट हैं वो फाइन हेयर लाइक बन जाते हैं, जिन्हें ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। और ये जो ओल्डर पार्ट्स हैं इसके नीचे वाले से, ये जो ओल्डर पार्ट्स हैं सारे, दे मे बी द कॉर्टिकेटेड, कि इनके ऊपर कॉर्टेक्स जो है वो प्रेजेंट। सेल स्ट्रक्चर इनका, आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज द सेल वॉल एज यूजुअल, और ये कंपोज्ड है थ्री लेयर्स, सेल वॉल जो है वो तीन लेयर से मिलकर बनी है, और केमिकली इसमें प्रेजेंट हैं सेल्यूलोज, पेक्टिन और एल्जिन, और पिगमेंटेड जो ऑर्गेनल्स हैं दे आर द क्रोमेटोफोर्स, और ये जो क्रोमेटोफोर्स हैं दे आर रिबन लाइक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और इनमें प्रेजेंट हैं पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स भी कौन से, प्रीडोमिनेंट जो सबसे ज्यादा पिगमेंट पाया जाता है ब्राउन कलर का, दैट इज द फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट हैं, बीटा कैरोटीन्स प्रेजेंट हैं, और जेंथोफिल प्रेजेंट है जो कि येलो कलर का पिगमेंट है। पायरेनाइड्स जो हैं आल्सो एसोसिएटेड, और इन पायरेनाइड्स का काम है फूड मटेरियल को स्टोर करना, और फूड मटेरियल जो स्टोर करते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेमिनेरिन, मैनीटोल हैं, और अल्कोहल, ये स्टोर करते हैं अपने अंदर, और हर एक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस गैमेटोफाइट जो स्पीशीज हैं उनमें होता है हैप्लॉइड, और जो स्पोरोफाइट स्पीशीज हैं उनमें होता है डिप्लॉइड। रिप्रोडक्शन जो है वो करते हैं दो तरह से, एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल होती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया, और स्पोर्स, जूओस्पोर्स ये प्रोड्यूस करते हैं, दो तरह के जूओस्पोर्स, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, और दो ही तरह के स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। एक है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, जिसमें एक ही लॉक्यूल, एक ही खाना होता है जिसमें सारे जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरी तरह के स्पोरेंजिया जो हैं वो हैं प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया, जिसमें अलहदा अलहदा जो हैं वो लॉक्यूल्स या खाने बन जाते हैं, और अमूमन ये जो प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और यूनिलोक्युलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। तो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया ऐसे जो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वन ऑफ द सेल गेट एनलार्ज, तो एनलार्ज सेल जो है वो कहलाता है स्पोरेंजियल इनिशियल। इसका डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है थ्रू मियोसिस, और उसमें बार बार जो है इन न्यूक्लियाई में होती है माइटोसिस, जिसके नतीजे में 32 टू 64 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, और ये जो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं इनके सारे कंटेंट्स जो हैं वो मेटामॉर्फोस हो जाते हैं जूमियोस्पोर्स में। जूमियोस्पोर्स ऐसे स्पोर्स हैं जो के खुद होते हैं पायरीफॉर्म, पियर शेप हैं, और बाईफ्लैजिलेटेड हैं, कि दो दो फ्लैजेला उन पर, एक ये वाले फ्लैजेला मौजूद हैं, और ये वाले जो मीजियो जूओस्पोर्स हैं या ये जर्मिनेट करते वक्त अपने फ्लेजेला करते हैं विड्रॉ, थिक वॉल होते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, जर्म ट्यूब बनाते हैं अपनी, और उस जर्म ट्यूब के जरिए से जर्मिनेट करके प्रोस्टेट सिस्टम डेवलप करते हैं, और इस प्रोस्टेट सिस्टम से फिर इरेक्ट सिस्टम जो है वो डिवेल्प होता है, और हैप्लॉइड जनरेशन या हैप्लॉइड प्लांट डिवेल्प हो जाता है, जिसे
हमने नाम दिया है गैमीटोफाइट का, जिसे हमने नाम दिया है गैमीटोफाइट। जबकि दूसरी टाइप के जो स्पोरेंजिया हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया, तो ये जो प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया हैं, इनमें भी बिल्कुल सेम स्पोरेंजियल इनिशियल जो है दैट इज एनलाइड, बट उसमें माइटोसिस होती है। यहाँ ये फ़र्क है, जो यूनिलोक्युलर हैं उनमें मियोसिस, जबकि प्लूरीलोक्युलर में होती है माइटोसिस। और माइटोसिस के नतीजे में एक रो ऑफ सेल्स बन जाती है 6 to 12 डिप्लॉइड सेल्स की। मल्टीपल डिवीजन होती हैं जिसके नतीजे में प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया बन जाते हैं, और स्पोरेंजिया के सारे हर एक स्पोरेंजियम, हर एक का ये जो एक छोटा सा लॉक्यूल है, उसका हर एक जो सेल हैं या कॉन्टेंट हैं, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इंटू सिंगल डिप्लॉयड पायरीफॉर्म बाईफ्लैजिलेटेड माइटोस्पोर। और ये जो माइटोस्पोर हैं, ये होते हैं डिप्लॉयड, और जब ये जर्मिनेट करेंगे बिल्कुल सेम वे में जर्मिनेट करते हैं जैसे जर्मिनेट करते हैं ये जूमियोस्पोर्स, उसी तरह से जर्मिनेट करते हैं, बट ये जर्मिनेट करके डेवलप करते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉयड प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस टाइप और एन आइसोगैमस टाइप। आइसोगैमी, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, जिसमें गैमेट्स जो बनते हैं वो दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं, वो ना सिर्फ साइज़ के लिहाज से, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से बल्कि एक जैसे होते हैं, बल्कि दोनों मोटाइल होते हैं। एन आइसोगैमस ऐसी कंडीशन है जिसमें मोटाइल तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों ही होते हैं, लेकिन फीमेल गैमेट जो हैं वो साइज़ में लार्जर होते हैं। तो हैप्लॉइड प्लांट्स जो हैं उनमें प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया जैसे डेवलप होते हैं, बिल्कुल सेम वे में प्लूरीलोक्युलर गैमिटेंजिया डेवलप हो जाते हैं, कि एक गैमिटेंजियल इनिशियल बनता है जिसके कॉन्टेंट्स जो हैं सारे के सारे वो माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लॉक्यूल्स में, और हर एक सेल जो है दैट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इंटू सिंगल पायरीफॉर्म बायोफ्लैजिलेट हैप्लॉइड जूओगैमीट। अब जूओगैमीट और जूओस्पोर में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि गैमिट्स जो हैं दे आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ जूओस्पोर्स, और ये जूओगैमीट्स जो हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, और फ्यूज़ करने के बाद बनाते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट डिवेल्प करके बनाता है स्पोरोफाइट जनरेशन, और स्पोरोफाइट जनरेशन जो कि डिप्लॉयड है, अब दो तरह से वो जर्मिनेट करता है या ग्रो करता है, दो तरह से, कि एक उसमें लगते हैं यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया और एक प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया। अगर तो प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया बने जैसे ये और जूओस्पोर बने, तो अभी हमने डिस्कस किया ये वाले होते हैं चूँकि डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड होने की वजह से ये दोबारा से जब जर्मिनेट करेंगे तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना देंगे। इनके मुकाबले में जब इसी प्लांट डिप्लॉयड प्लांट पर अगर लग जाएं यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया, तो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया चूँकि बनते हैं मियोसिस के नतीजे में, जिस वजह से ये बनाते हैं जू मियोस्पोर्स, और यू मियोस्पोर्स जो हैं वो अपने फ्लेजेला रिमूव करने के बाद ट्रांसफॉर्म, वो जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके डिवेलप करते हैं एक गैमिटोफिटिक प्लांट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ऐसी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें ये जो एक स्पोरोफाइट प्लांट और गैमिटोफाइट प्लांट स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ उनमें क्रोमोसोम्स जो हैं या जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होता है, तो एक ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है एक्टोकार्पस जो। तो ये है हमारा एक ओवरव्यू अबाउट एक्टोकार्पस।